नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंपा प्लांट के बारे में कि चंपा का जो प्लांट होता है बहुत ही अच्छा होता है और इसमें कि इसके फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और साल के करीब करीब 7 से 8 महीने तक ये लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, ये है चंपा का प्लांट, चंपा का फ्लावर, जिसमें अभी मेरे घर इस चंपा में अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। इसे इसकी मैंने कटिंग भी कर दी थी, मैंने रिपोर्टिंग कर दी और इसे बड़ा सा प्लांटर में मैंने इसे लगा दिया 24x24 में। तो उसके बाद देखिए इसकी जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी पेड़ की तरह हो गई है। एक तो वैसे ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, हर समय जहाँ भी इसके फ्लावर होते हैं वहाँ से 3 ब्रांच निकलते हैं और 3 ब्रांच आगे जा करके फिर यहाँ से फिर 3 ब्रांच निकलेंगे, यहाँ से 3 ब्रांच, तो बहुत ही सुंदर इसका स्टाइल हो जाता है। और इसीलिए मुझे चंपा का प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल पेड़ की तरह हो जाता है। देखिए यहाँ भी जो है वो 3 ब्रांच निकले हुए हैं और यहाँ भी 3 ब्रांच में से 1 ब्रांच में फ्लावर स्टिक निकला हुआ है। ये देखिए मैं दिखलाती हूँ, देखिए है ना। तो अभी जो समय है बारिश तो अब ख़त्म होने पर है लगभग, लेकिन बारिश ख़त्म होने पर भी मेरे प्लांट में अभी जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए दोस्तों, चंपा का प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास 3 तरह के चंपा के प्लांट हैं और तीनों प्लांट जो है बहुत ही सुंदर हैं। तो चलिए मैं दूसरा दिखलाती हूँ आपको, क्योंकि 2-3 चंपा का के प्लांट में 3-4 अलग अलग वेराइटी के हैं। एक देखिए दोस्तों, ये भी चंपा का प्लांट है जिसे कटीली चंपा कहते हैं, काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है और इसके जो फ्लावर होते हैं क्रीम कलर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मेल वाले होते हैं। मतलब एक फूल यदि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में रख देते हैं तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। लेकिन इसके जो मतलब इसके खिलने का जो टाइम है वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक ये बहुत मैच्योर नहीं होगा तब तक ये नहीं खिलेगा। उसके बाद जो दूसरा है तो ये है, ये तो लगातार मैं आपको दिखला रही हूँ कि ये अप्रैल से लगातार ये खिलता आ रहा है और अभी भी लगातार इसमें देखिए जो है फ्लावर बड बन रहे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़े से बड़े हैं, ये देखिए ये थोड़े से बड़े हैं। तो उसके बाद ये जो छोटे हैं और ये खिले हुए हैं, तो लगातार उस यहाँ से देखिए फिर से फ्लावर बढ़ा रहे हैं। तो चंपा एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत इसमें कलर अलग अलग तरह के कलर होते हैं और बहुत देर तक यह खिलता है, काफ़ी दिनों तक ये खिलता रह जाता है। एक बार इसके फ्लावर स्टॉक निकलते हैं तो बस देखिए खिलते खिलते किस तरह से बहुत महीनों लगा देते हैं। एक फ्लावर स्टॉक खत्म होता है तो दूसरा तीसरा स्टार्ट हो जाता है और इसका जो कलर है देखिए कितना सुंदर, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, बहुत भीनी भीनी सी, बहुत तेज खुशबू नहीं है। तो ये एक हो गया और इसी और उसके बाद चौथा जो है वो ये है। देखिए इसे भी मैंने कट कर दिया था और कट करके मैंने दूसरी जगह लगा दिया तो यहाँ से फिर से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई। मैंने देखिए यहाँ से इसे कट कर किया था और उसे यहाँ से कट करने के बाद यहाँ से 3 इसकी ब्रांच निकली है और अब देखिए इसमें जो है वो फ्लावर स्टॉक अब निकलने की बारी लगता है आ रही है और ये बिल्कुल डार्क पिंक कलर का है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए दोस्तों, इसी की कटिंग मैंने लगाई थी, वो मैंने यहाँ एक और इसकी कटिंग करके मैंने यहाँ लगा दिया था। तो देखिए ये जो है बिल्कुल इसका जो डिज़ाइन यहाँ लगा दिया था और ये देखिए इसमें फ्लावर स्टॉक निकल आए हैं। तो फिर मैं आपको दिखलाती हूँ कि फ्लावर स्टॉक इसके कहाँ है, देखिए है ना। तो यहाँ इसके फ्लावर स्टॉक है और ये बिल्कुल डार्क पिंक कलर का है और ये भी खिलते रहेंगे, 2-3 महीने तक खिलते रहेंगे। मतलब मुझे लगता है कि अभी तो सितंबर है, अक्टूबर नवंबर तक ये खिलते रहेंगे। तो चंपा जो है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इसके फ्लावर तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही ईजी टू केयर होता है, आप कभी भी इन्हें कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लोगों को दिखला दूँ कि मेरे कुछ बोगनवेलिया लगे हुए हैं और बड़े अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए ये जो कलर है कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ 3-4 बोगनवेलिया मेरे लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। बीच में एक रात की रानी नाइट किंग भी लगा है और यहीं पर मैंने देखिए सावनी का भी पौधा लगा दिया है तो ये भी लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसमें भी देखिए कि दोस्तों, इधर तो जो मधुमालती है वो पूरे फुल ब्लूम पर है, मतलब अपनी जवानी पर है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, मैंने इसे साइड में कर दिया। इसके बारे में भी बता दूं दोस्तों कि 2 साल ये बिल्कुल नहीं खिला, बिल्कुल भी नहीं खिला। मुझे तो लगा कि नर्सरी से लाने के बाद 1 साल खिला और उसके बाद 2 साल बंद हो गया तो मुझे लगा कि शायद ये पौधा ख़राब है, लेकिन मैंने फिर इसकी रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग करने के बाद ही देखिए ये इतना ज़्यादा खिल रहा है कि बस इसकी फ्लावरिंग रुक नहीं रही है और कितना सुंदर लगता है। इसे झुमका बेल भी कहते हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो। और देखिए दोस्तों, गिलहरी क्या कर रहा है, मेरे जो अनार के है ना, अनार उसे बल बिल्कुल खा करके चट कर जा रहा है। और ये देखिए यहाँ भी एक खा गया है,
मैं छोड़ दी हूँ कि जाओ तुम ही खाओ, क्योंकि बस कोई तो खाए मेरे घर में। तो दोस्तों इस तरह से चंपा की कटिंग को आप कभी भी लगा सकते हैं। बस आप जब भी लगाएं तो इनके इस यहाँ से कट कर लें। तो ये जो इनके ब्रांच हैं ये काफ़ी है इसकी कटिंग लगने के लिए। यहाँ से आप कट कर देते हैं अभी, और अभी कट करके आप एक ऐसी सॉइल बना लेते हैं जो सैंडी सॉइल हो, मतलब थोड़े से उसमें 40% सैंड हो और 60% उसमें गार्डन सॉइल हो, और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड आप डाल दें और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दें। बस इसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डालना है। तो 60% सॉइल, 40% सैंड, और उसमें या फिर उसमें 40% कोकोपीट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें और फंगीसाइड डाल दें, और डाल करके इन्हें लगा करके आप इन्हें शेड वाले स्थान में रख दें। देखिए 20 से 25 दिन में जो है इनकी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। या हो सकता है कि जैसे विंटर आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि विंटर में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो प्रोसेस इनकी जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन वो लग जाएंगे। और जैसे ही दिसंबर जनवरी आएगा, जैसे ही फरवरी आएगा, तो तेजी से इनके पत्ते निकलने शुरू होंगे, और उसके बाद फिर इसी तरह से उसमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लावर, कितनी सुंदर कलर है, पर्पल, येलो और पिंक। ये पर्पल नहीं, मैरून, येलो और पिंक, ये तीन कलर में इसमें है। तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना। ये वाला कलर स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक वाइट कलर का मेरे पास नहीं है, और साथ ही साथ एक और वाइट और येलो होता है वो मेरे पास नहीं है। मतलब नाग चंपा नहीं है और वाइट और येलो वाला नहीं है जो जनरल होता है, लेकिन ये दो तीन कलर मेरे पास है। डार्क पिंक है, इसमें तो बहुत ही सुंदर होता है ये, मैरून है, येलो है और वाइट है, ये तीन कलर का। फिर एक डार्क पिंक है और एक लाइट पिंक, ये दोनों मेरे पास हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए क्या आपको करना है, ज़्यादा फ्लावरिंग लिए जैसे इसमें मेरे लगातार मार्च से लेकर अप्रैल, या मुझे याद नहीं आ रहा है, मार्च या अप्रैल से जो फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो अभी सितंबर का महीना है और लगातार खिलते आ रहे हैं इनके। देखिए पहला स्टॉक यहाँ से सूखा, उसका दूसरा स्टॉक ये सूखा, उसके बाद ये स्टॉक है, और इसके ख़त्म होने से पहले यहाँ एक नया स्टॉक निकल रहा है। देखिए सभी का डिज़ाइन जो है ना वो एक जैसा होता है, पैटर्न एक जैसा होता है, और ऐसे स्टॉक निकलते हैं और खिलते हैं। तो बस इसमें आपको क्या करना है कि पोटेशियम वाले खाद इसमें ज़्यादा डालना है, क्योंकि किसी भी फ्लावर को खिलने के लिए, फूल को फलने के लिए पोटैश की ज़रूरत होती है। तो आप इसमें या तो कुछ कुछ भी नहीं है तो आप काउडंग कंपोस्ट दीजिए या वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, और वो भी नहीं है तो आप इनमें चाय की पत्ती या कॉफ़ी या फिर सरसों की खली वाले कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं, और उसको डालने से ये बहुत अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। देखिए दोस्तों ये है सरसों की खली और ये है पोटाश, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है, साथ ही साथ नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो चूंकि चंपा के जो फ्लावर होते हैं बहुत ही ज़्यादा गुच्छे में खिलते हैं, बहुत ज़्यादा खिलते हैं, लगातार महीनों महीनों तक खिलते रह जाते हैं, एक बार उनकी एक स्टिक निकलती है मतलब फ्लावर स्टॉक, तो वो मतलब 3-4 महीने तक रह जाते हैं। इसी तरह से उसमें नए नए मतलब जो है वो कलियाँ बनने लगती हैं, और बनते बनते लगातार उसमें वो खिलते ही रहते हैं। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि पोटेशियम वाला, जिसमें पोटेशियम की भारी मात्रा हो, वो वाला इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो देखिए इसमें सरसों की खली है और ये है पोटाश, तो ये दोनों पानी में भिगो कर हम डाल देंगे तो बहुत अच्छे से ये काम करेगा। यदि आप चाहते हैं कि स्लो रिलीज हो तो आप इनको और इन दोनों को ऐसे ही ड्राई करके पाउडर बना करके, मतलब सरसों की खली का तो पाउडर बन जाएगा, लेकिन ये जो है पोटाश ये पाउडर नहीं, फॉर्म में नहीं आएगा, तो इसको ऐसे ही मिट्टी में डाल देना है ताकि धीरे धीरे वो वहाँ पर उसमें डिजॉल्व हो जाए, और उसके बाद जो है सो वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये इनकी मिट्टी में इस तरह से गुड़ाई कर लेना है, और मिट्टी चूँकि भीगी है, काफ़ी बारिश हुई है, तो मिट्टी में गुड़ाई करके और आपको इस तरह से स्प्रिंकल करके इसमें डाल देना है, ताकि ये धीरे धीरे इसमें मिलते रहें, और जब तक ये धीरे धीरे स्लो रिलीज करते रहेंगे तब तक इसके फ्लावर जो है वो खिलते रहेंगे। और इस तरह से डाल देना है हमें, लेकिन इनको थोड़ा जड़ से अलग ही रखना है, अलग रख करके गुड़ाई करके डाल के और पानी डाल देना है, ताकि ये इसमें बहुत अच्छे से मिल जाएँ, और उसके बाद मतलब स्लो रिलीज की तरह धीरे धीरे वो रिलीज हो, और उसके बाद हमारे प्लांट को ये मिलता रहे न्यूट्रिएंट, जिससे हमारे प्लांट धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक खिलते रहेंगे। तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये आप डाल सकते हैं, या इन्हें पानी में डिजॉल्व करके भी आप डाल सकते हैं, वैसे भी बेनिफिट होता है, लेकिन यदि इस तरह से मिट्टी में आप डाल देते हैं तो धीरे धीरे ये रिलीज करेंगे और उसके बाद हमारे प्लांट को मिलते रहेगा। तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा फिटकरी का भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो, फिटकरी जो होता है यानी एलम, वो उसका एक टुकड़ा इसके मिट्टी में दबा दें,
थोड़ी सी हल्दी डाल दें, या फिर चौक जो है चौक का जो टुकड़ा है वो एक टुकड़ा डाल दें, मतलब जो भी आपके पास वो ऑप्शनल डाल दीजिए। ये ऐसा प्लांट है, इतना संतोषी प्लांट है कि कोई भी चीज़ में एक भी डाल देते हैं तो इसी तरह से ये लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए यहाँ भी एक नई ब्रांच है तो इसमें भी फ्लावर स्टॉक निकलेंगे, यहाँ भी इसमें भी निकल जाएंगे, तो ये लगातार फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। तो बस ये थोड़ी सी टिप्स अपना करके आप बहुत अच्छा सा फ्लावरिंग ले सकते हैं चंपा के प्लांट से। देखिए दोस्तों, इसके लिए ये जो फर्टिलाइजर है ये काफ़ी है। आप सीवीड जो है ना, वाटर सॉल्यूबल सीवीड एक्सट्रैक्ट, इसके का एक चम्मच एक लीटर पानी में घोल कर यदि आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छे से जो है वो घुल जाता है। और उसके बाद इसके अलावा आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अलावा बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को मिलते हैं। तो इसमें डाल दीजिए, देखिए मैंने तो इसके नीचे लगा दिया, बहुत सारे पर्सलेन हैं और कुछ फोर ओ क्लॉक है, देखिए ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं, ये इसे भी पाल रहा है। तो ये प्लांट मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसके नीचे इनके जड़ों के पास आप दूसरे दूसरे प्लांट को भी लगा देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है, देखिए है ना, और बहुत अच्छे से वो चलते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसे आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग हो रहा है तो इसमें आप डाल दीजिए, इसमें फ्लावर आने वाले हैं तो इसमें भी आप डाल दीजिए। इनकी जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा हो जाती है, जब ज़्यादा इस तरह से जड़ें हो जाएं तो आप इनके जड़ों को इस तरह से निकाल दें, तोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनकी जड़ों को हमें तोड़ना है। यदि हम जड़ों को नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा पेड़ की तरह होता है तो उसे हम गमले में लगाते हैं तो इसी तरह से इनकी जड़ें जो है वो बाउंड कर जाती है, तो आप इस तरह से तोड़ सकते हैं इन्हें और इसमें फिर ये डाल देंगे तो बहुत अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होगी। देखिए दोस्तों, चलते चलते मैंने गुड़हल की ये सारी कलियां तोड़ ली है और थोड़ी देर में ये खिल जाएंगे तो फिर मैं पूजा रूम में चढ़ा दूंगी। थैंक यू। देखिए दोस्तों, इसके लिए ये जो फर्टिलाइजर है ये काफ़ी है। आप सीवीड जो है ना, वाटर सॉल्यूबल सीवीड एक्सट्रैक्ट, इसके का एक चम्मच एक लीटर पानी में घोल कर यदि आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छे से जो है वो घुल जाता है। और उसके बाद इसके अलावा आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अलावा बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को मिलते हैं। तो इसमें डाल दीजिए, देखिए मैंने तो इसके नीचे लगा दिया, बहुत सारे पर्सलेन हैं और कुछ फोर ओ क्लॉक है, देखिए ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं, ये इसे भी पाल रहा है। तो ये प्लांट मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसके नीचे इनके जड़ों के पास आप दूसरे दूसरे प्लांट को भी लगा देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है, देखिए है ना, और बहुत अच्छे से वो चलते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसे आप इस तरह से लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।